आपको बड़ी खबर देंगे मकबूजा कश्मीर से। मकबूजा कश्मीर में इस वक्त 13 जुलाई 1931 के शहादा को खिराज तकसीन पेश करने के लिए दुनिया भर के साथ साथ मकबूजा कश्मीर में भी यौम शहादा मनाया जा रहा है। आपको बताते चलें कि इस वक्त मकबूजा कश्मीर से बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर असेंबली जम्मू कश्मीर मकबूजा कश्मीर से इंजीनियर रशीद साहब। इंजीनियर रशीद साहब, क्या हालात देख रखे हैं वहाँ आज यौम शहादा के मौका पर? वो तो आपको मालूम ही है, आज 13 जुलाई यौम शहादा है और हर तरफ से कदगने हैं, कर्फ्यू है, बंदिशें हैं। कल ही मजार शहादा के पास सज्जाद अहमद नामी एक नौजवान को शहीद किया गया, जिससे कहा गया कि अस्करियत पसंद है, लेकिन वो पुलिस के जुल्म की वजह से बंदूक उठाने पे मजबूर हुआ था। तो हम यही कहना चाहेंगे, और आज मजार शहादा पे आपने ये भी देख लिया कि एक तरफ सरकारी एहतमाम से शहीदों को खराज अकीदत अदा करने का एहतमाम किया गया था 13 जुलाई 1931 के शहीदों को, और दूसरी तरफ जो कोलेशन सरकार में निर्मल सिंह हैं, बीजेपी के लोग हैं, वो तो वहाँ मजार शहादा पे गए ही नहीं। एक तरह से उन्होंने शहीदों की बेहरमती की मजार शहादा पे न जाकर। तो सूरत हाल ये है कि हर तरफ आग लगी है, दिल्ली यात्रियों के कत्ल के नाम पर कश्मीरी को बदनाम कर रही है और कश्मीर के असल मसले से भागना चाहती है, लेकिन हमारा यही पैगाम होगा कि आपको आज नहीं तो कल हकी खुद राय में देना ही होगा। इंजीनियर साहब, मकबूजा कश्मीर में आज जो यौम शहादा मनाया जा रहा है, उस सिलसिले में जो कदगने लगाई गई हैं, उस सिलसिले में क्या कहेंगे? आपने आज देखा कि कदगनों को तोड़ते हुए अवामी इत्तेहाद पार्टी के सैकड़ों कारकुनों ने और जो डाउन टाउन के जियारे लोग थे हमारे साथ आए, मजार शहादा पे गए, वहाँ तकरीबी हुई। तो मतलब गुलामी में ऐसा ही होता है, गुलामी तो इसी चीज़ का नाम है। हम दिल्ली से यही कहेंगे, हमने अभी भी कहा, मजार शहादा पे भी कहा, अगर आप में दम है तो आज आपको हुरियत को बाकी लोगों को छोड़ना चाहिए था। पता चलता कि शहीदों के वारिस कौन है, पता चलता था पाकिस्तान की एजेंट कौन है। हम हिंदुस्तान के दुश्मन नहीं, कश्मीर के लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को रायशुमारी का हक दिया जाए। इंजीनियर साहब, आज आप मकबूजा कश्मीर से बराह रास्त हैं और अल नोर न्यूज बराह रास्त ये ट्रांसमिशन बिलखसूस मकबूजा कश्मीर में बसने वाले कश्मीरी और आज़ाद कश्मीर की जितनी कम्यूनिटी है और दुनिया के तमाम ममालिक में नशर कर रखा है, तो क्या पैगाम देंगे इस मौका पर? के लिए हमारा पैगाम यही है कि यहाँ हर कश्मीरी जो है वो तहरीक से जुड़ा हुआ है, चाहे कोई वोट डाले या न डाले, चाहे कोई हुर्रियत में है या नहीं है, हम कश्मीरी आर पार इस चीज़ को लेके यूनाइटेड हैं कि जम्मू कश्मीर का मसला रायशुमारी के जरिए हल होना चाहिए। हमें कोई सेल्फ रूल, कोई अटानवी, कोई दाखिली खुद मुख्तारी कबूल नहीं। हम उस हिंदुस्तान में नहीं रह सकते जहाँ पर हमें ये कहा जाएगा कि गाय बड़ी है या मुसलमान बड़ा है। हम हिंदुस्तान के दुश्मन नहीं, हमारा सिर्फ उनसे ये पैगाम है कि आप हुर्रियत पसंद क़यादत को और पाकिस्तान से ये कह दीजिए कि कश्मीरियों को यूनाइट करने की कोशिश करें, उसी में हम सबका भला है। बहुत बहुत शुक्रिया इंजीनियर रशीद साहब, हमारे साथ मौजूद थे मकबूजा कश्मीर से, जिन्होंने हमें ताज़ा तरीन हालात से आगाह किया। नाजरीन, आपको बताते चलें आज स्पेशल कश्मीर टॉक के प्रोग्राम नशर होगा 9 बजे रात, जिसमें हमारे साथ मौजूद होंगे हामिद मीर साहब, इस्लामाबाद से बराह रास्त होंगे, उनके साथ साथ राजा हबीबुल्ला खान साहब जो कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर से हमारे साथ बराह रास्त होंगे, उनके साथ साथ मकबूजा कश्मीर से हमारे साथ बराह रास्त होंगे इंजीनियर रशीद साहब, उनके साथ मकबूजा कश्मीर से दिगर अहम सियासी कश्मीरी रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे, इनामुन्नबी साहब जो कि अवामी इत्तेहाद पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अवामी इत्तेहाद पार्टी के इंजीनियर रशीद साहब भी होंगे, और उनके साथ साथ जर्मनी से हमारे साथ होंगी रिफत गुलवानी साहिबा। तो ये प्रोग्राम आज रात 9 बजे नशर होगा, तो तमाम नाजरीन इसको देखना ना भूलिए।